हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज स्पेशल दिन है, मैं बता दूं कि आज क्या है। तो सबको पता है 2023 और नवंबर, तो आज जो है हैप्पी दिवाली। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली यानी कि दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी लोग जो है अच्छे से त्योहार मनाइए, खुश रहिए और पॉल्यूशन से दूर रहिए, क्योंकि आज के दिन पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। खूब पटाखे, खूब फुलझड़ियां जलाइए, ठीक है, लेकिन पॉल्यूशन से थोड़ा सा दूर रहिए और कम जलाइए। पटाखे जलाइए पर कम जलाइए, ज्यादा मत जलाइए, ठीक है। और जो है सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और देखिए मेरी दिवाली जो है पूजा जो है हो गई है। देखिए ये देखिए कितना सुंदर मंदिर लग रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर जो है मंदिर मैंने सजाया है। लक्ष्मी जी की पूजा हो गई है और भगवान जो है लक्ष्मी सभी लोगों के घर में जो है आज के दिन प्रवेश हों, और सभी लोग के घर में जो है माता लक्ष्मी जी आएं और सब लोग खुश रहे, और यही कामना करती हूँ। और सब लोग अच्छे से, सच में बता रही हूँ, आज सब लोग हैप्पी रहो, सब लोग खुश रहो, सारे गमों को भुला दो। जो भी आपके साथ कुछ भी हुआ हो, अच्छा बुरा, सब कुछ भुला दो आज के दिन और सब लोग खुश हो जाओ, ठीक है। अच्छे से दिवाली मनाइए और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। चांदनी लाइव ब्लॉग्स को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, और वो जरूर आप लोग कर दिया करें। और मैं अभी आपको जो है दिखाती हूँ ब्लॉग में कंटिन्यू की, मतलब दिवाली में मैंने क्या क्या तैयारी की है। दोस्तों एक्चुअली क्या है, कैमरा मैं अकेले पकड़ के जो है रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को हिल रहा होगा तो उसको आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। पटाखे की जो है आवाज आप लोग सुन सकते हैं, कितना धूम धड़ाका आज मचा हुआ है। और दोस्तों मैं क्या बताऊं, मेरी तबीयत जो है खराब थी तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी ब्लॉग। बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब थी, बुखार था, सर्दी जुकाम, ये सारी चीजें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो इसलिए ये सारी चीजें तो हो ही जाती हैं। और बहुत ही बढ़िया जो है मैंने आज पूजा किया है, दिवाली पूजा, लक्ष्मी पूजा। तो बस भगवान जो है सबके घर में धन धान्य की वर्षा करें और सबके घर में सुख शांति आए और सब लोग खुश रहे, ठीक है ना। और भगवान का आशीर्वाद बना रहे सभी लोगों के ऊपर। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों, तो मैं आपको आगे का जो है वीडियो दिखाती हूँ कंटिन्यू, ठीक है, थैंक यू। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दिया हुआ मैंने जला दिया है, देख सकते हैं। ये देखिए बुद्ध भगवान के पास भी, ये हमारे बुद्ध भगवान जी देखिए कैसे बैठे हुए हैं, इनके पास भी देखिए मैंने दिया जलाया हुआ है, देख सकते हैं आप। एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये कंप्यूटर टेबल है तो इस वजह से जो है सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर भी दिया रख दिया है। और बाहर की रंगोली मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे भाई ने बनाया है, बनाते हुए नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं पूजा पाठ कर रही थी उस समय और रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई था नहीं। तो ये देखिए कितना अच्छा जो है रंगोली बनाया हुआ है, देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखिए ये मेरे भाई ने बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, देखिए इस तरीके से। ये देखिए अभी मैं यहाँ पे मोमबत्तियाँ लगाऊंगी दोस्तों, यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे मोमबत्ती लगाऊंगी मैं। बहुत ही प्यारा रंगोली भाई ने बनाया है। यहाँ देखिए ये छन्नी वन्नी की सहायता से आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ छन्नी रखा है, चम्मच है और ये पैन वैन है, पता नहीं क्या क्या किस किस चीज़ों की सहायता से इसने जो है कंटिन्यू इसको बनाया है। और मैं आपको लक्ष्मी पूजन कैसे मैंने किया है वो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए। तो मैं आपको पास से चल के दिखा देती हूँ, देखिए ये देखिए, तो देख सकते हैं आप इस तरीके से, ये देखिए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, ये देखिए और बढ़िया अच्छे से। ये देखिए पोस्टर जो आप देख रहे हो सामने कृष्ण भगवान का, ये मैं इस साल लेके आई थी और मुझे बहुत ही सुंदर लगा था ये पोस्टर, ये देखिए बांसुरी बजाते हुए कृष्ण भगवान का, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और लेके आई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा जो है बढ़िया से लक्ष्मी पूजन मेरे घर का हो गया है, देखिए ये देखिए। तो दोस्तों मेरे से जितना बन पड़ा मैंने विधि विधान से कर लिया है, जितना मेरे समझ में आया उतना मैंने कर लिया और मुझे लगता है मैंने ठीक किया है और अच्छे से कर दिया है और मैं संतुष्ट हूँ। और पूजा पाठ का सामान दोस्तों देखिए इधर रखा हुआ है, अभी और भी बहुत सारा सामान इस थैले में भी है, इधर भी है, काफ़ी है। तो अभी कल भी पूजा है हमारे यहाँ, तो वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी और बताऊंगी ना। तो ये देखिए दोस्तों रंगोली कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है, सब हटा दो। ये देखिए और मैं आपको अपने गेट दृश्य, तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बनाया हुआ है दोस्तों इस जगह पर, ठीक है।
यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो स्वास्तिक बना हुआ है मेरे दरवाजे के ऊपर, गोल्डन कलर का स्वास्तिक बनाया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से मैंने बनाया है। ये दोस्तों ये आम का पल्लू है, ये देखिए ये आम के पत्तों से बना हुआ है, ये देखिए। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और ये शुभ होता है दरवाजे पे लगाना, तो इसलिए इसको जो है मैं लगाई हूँ। और इधर भी लगा रखा है, इस साइड में देख सकते हैं, इधर इस साइड में। और ये देखिए इस तरीके से मैंने सजाया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठीक है। और घर की तो खैर काफ़ी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा आज की है। मुझे सबसे अच्छा ये देखिए स्वास्तिक लगा, मेरे भाई ने बनाया हुआ है, ये देखिए। और यहाँ देखिए ये पेड़ पौधे, तो मेरे देखिए ये पेड़ देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो इसको मुझे मेरे को इसके लिए बहुत ही बड़ा गमला लाना पड़ेगा, क्योंकि ये देख रहे हैं ये पौधा जो है पूरा झुक रहा है बाहरी की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने तुलसी में भी कीड़ा लगा दिया है, देखिए ये देख सकते हैं, ये तुलसी का पेड़ है, देखिए। तो इस तरह से मैंने दिया लगाया है, ये प्लांट। और ये इस तरीके से इसमें भी मैंने लड़ियाँ लगा दी थी, और इस तरीके से लड़ी मैंने सजाई हुई है, देखिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अच्छा लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने मोमबत्तियाँ लगाई हैं, ये देखिए सारा मैंने अभी लगाया दोस्तों। एक्चुअली क्या है कि मैं रिकॉर्ड करके उस समय नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि मैं जो है पूजा पाठ कर रही थी और ये तैयारियाँ कर रही थी, तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड करके नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है खाना वाना बनाने में बिज़ी थी और मैं इधर पूजा करने में बिज़ी थी। कोई कैमरा पकड़ने वाला था ही नहीं कि रिकॉर्डिंग मैं कर सकती, तो इसलिए मैं करने के सारा सब कुछ करने के बाद आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर भी मोमबत्तियाँ लगाई हुई हैं, ये देखिए यहाँ सीढ़ियों पर भी लगा दी है मोमबत्ती, देखिए। दोस्तों देखिए जितना बजट है उसी हिसाब से सबको त्यौहार बनाना चाहिए, तो मेरे पास जितना बजट था उस हिसाब से मैंने कर दिया है। मेरा ये जो घर है ये मेरा किराए का घर है, तो बस किराए का घर है, लेकिन घर तो घर ही होता है ना, छोटा हो या बड़ा हो, या किराए का हो या अपना हो, ठीक है। लेकिन जितना मेरे से बन पड़ा मैंने उतना किया है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही पसंद आया। और अभी चलते हैं थोड़ी देर में, ये देखिए इनका भी दरवाज़ा जो है सजा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब घर में चलते हैं और फिर उसके बाद से छत पे भी चलेंगे। तो दोस्तों देखिए मैं जो है अंदर वाले कमरे में आई हूँ, और ये मेरे भाई को जो है गिफ्ट मिला है, ये देख सकते हैं आप। ये पता नहीं क्या है, इस वैसे तो इस पर लिखा है स्वीट्स लिखा है, तो ये मिठाई का डब्बा है, मेरे भाई ने बोला था ये मिठाई का डब्बा है, तो ये मिला है। और ये देखिए हम लोग ये पकौड़ी वगैरह खा रहे थे, थोड़ा सा केक, ये फ्रूट केक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, तो हम इंजॉय कर रहे थे। अभी मैंने खाया नहीं है, तो ये मेरे घर में जो है सब लोग खा रहे हैं बैठे बैठे। ये फ्रूट केक है, देखिए इसमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं, देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये ड्रैगन फ्रूट है, और ये पता नहीं क्या क्या है इसमें, चेरी वेरी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें अनार के दाने हैं, और ये फ्रूट है काफ़ी अच्छा, और ये देखिए बहुत ही अच्छा बढ़िया फ्लेवर होता है इसका। और ये पकोड़े मेरी सिस्टर बना रही है, और इधर देखिए यहाँ पे इतने सारे बर्तन रखे हुए हैं, तो इधर चाय भी बन रही है साथ के साथ। और निधि इसमें क्या बन रहा है, दाल और पकोड़े दिखाओ। तो ये देखिए दोस्तों पकोड़े जो है इतने सारे, और तो कितने सारे पकौड़े बनाए दिखाना जरा। ये देखिए दोस्तों इतने सारे पकौड़े बने हैं, उधर वो चाय बन रही है, उधर दाल भी बन रही है, और इसमें क्या बना है, वो दाल। अच्छा चावल बन रहा है, अच्छा। और ओल का चोखा बनेगा ना, तो ओल का चोखा बनेगा, और हो सकता है तो कढ़ी भी बनेगा हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ कढ़ी भी बनती है ना, तो कड़ी नहीं बनाएगी निधि। हाँ तो देख लो, अगर बनाना है तो बना दो, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो यही सब खाना पीना बन रहा है दोस्तों आज के दिन। और घुमाती प्रिया का तो खत्म हो गया, मैं दे रही हूँ यहाँ से, दे जा यहाँ पे दे रही हूँ। एक तरफ फेंकना, नहीं तो गर्म है, पाँव में लग जाएगा।
देखो देखो देखो, पहले तुम अपना पकड़ लो। ये हैप्पी दिवाली दोस्तों, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मुझे तो फुलझड़ी से बढ़िया और कुछ लगता ही नहीं है। देखो कितना अच्छा है, सेफ भी है और ये आराम से जल भी जाता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसकी जो चमक है ना ये बहुत अच्छा लगता है। भैया को बहुत अच्छा लगता है। ये देखो छोटे 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 इसे क्या लेकर आई है प्रिया, अपनी पसंद से लाई है ना प्रिया तू? प्रिया ये तो फुटुकता है। प्रिया तुम फुटकाओ इसे, ये उधर ही फेंक दो, उधर फुटकाओ। अच्छा तुम लोग के बच्चों के साथ ना मैं भी बच्ची बनी। अरे मेरा दुपट्टा ना गिर जाए, इसको संभाल के रखो, इसको ना मैं छुड़ाया अभी दोनों। उधर छुड़ा रहे हैं, उधर भी बड़ा अच्छा लगा रहे पटाखे पटाखे। हेलो गाइस, यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, हर चीज में फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, खूब जगर कराओ, खूब खांजरा कराओ, जॉबन से लाइक करो। सभी को मेरी तरफ अच्छी दिवाली। करवा दे सब्सक्राइब, इनको सब्सक्राइब करा। ये रहे, ये रहे, पकड़, तुम यही रहो, तुम सभी को सब्सक्राइब करो, यही रहो, यही रहो, यही रहो, रुको, यही रुको, इधर आओ, इधर आओ, मम्मा के पास, इधर आओ यार, गोदिया जो, इधर आओ, इधर, अरे ये कैसे चलाना है, इसको चलाना, मैं रिकॉर्ड करती हूँ तुम लोगों का। पटाखे फोड़ मत जाओ उधर। हाँ, ये इसको फोड़ना है, ये मेरे को आती है। ये तो ऐसे तुम कहाँ भाग रहे हो डर के? हेलो, थोड़ा डांस तो कर दू। अब ये गाने पे किया था, गाने पे कर, हाँ कर, जलना चाहिए ना, जले तब नहीं जला नहीं जला पहले उसे कुछ नहीं होना। छूट जाए राजा जी पलंगिया बिछोनूगा। अरे बुझ गया ये, बुझ गया ये, मेरा वाला तो जल गया। मैं सबसे बढ़िया फुलझड़ी है, बम से बढ़िया। अरे भैया वो देख, वो देख, वो देख, नहीं वो बम नहीं है, उधर है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सबको कह रही हूँ, गला फाड़ फाड़ के कह रही हूँ हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। देखो लास्ट में ये दिवाली के बाद खुश, ये देख रहे हो बम का हाथ खुश हो जाता है ये बात में, लास्ट में उसको जलाना कोई वो कैसे चलेगा, उसको जला मुझे डर लगता है बम से, मुझे बम से बहुत। प्रिया जा जला क्या हुआ, मुझे बमों से बहुत डर लगता है, सबसे ज्यादा मेरे को यही अच्छा लगता है, ये छुरछुरी उछुरी बस यही। प्रिया ये लो भाई, होगा उधर और क्या,
इधर बंदूक वाला है। ये देखो बम को ठंड लग गई है, बम सिकुड़ गया है, देखो ये देखो सारा सिकुड़ गया है। देखिए बम को लग गई है ठंड, क्योंकि अब ठंड बढ़ गई है, तो आप लोग भी ठंड से बच के रहिए। और ये शुरू शुरू का ठंड है, अभी शुरुआती ठंड, तो ये तो काफ़ी नुकसान करता है, ठीक है। अब बम छोटा हो या बड़ा हो, पॉल्यूशन तो वैसे भी होना ही है, क्योंकि काफ़ी लोग पटाखे आज के दिन फुटका रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोड़ रहे हैं बम पटाखे और ये सब, तो कहाँ लोग मानते हैं त्योहारों में, फिर भी ले आते हैं फुटकाते हैं। खुशियों का त्यौहार है और साल में एक बार आता है, तो खुशियाँ मनाना ज़रूरी भी है, लेकिन मैं तो बस यही कहूँगी थोड़ा सा पॉल्यूशन को कम करके, ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं कि हाँ भाई लोगों का जीना ही मुश्किल हो जाए। और ये देखिए मैं सिकुड़े हुए बम लेके आई हूँ, मेरे पास यही है, क्योंकि मुझे जो है ना बड़े बड़े बम फोड़ने में बहुत डर लगता है, मैं नहीं फोड़ सकती। ये देखिए ये वाला बढ़िया है, बेस्ट है, ये देखिए कितना अच्छा है, आराम से ऐसे करके फोड़ करिए। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये ये क्रिया को सबसे ज़्यादा हंसी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा है ना। प्रिया ने बहुत सारे छुरछुरी वगैरह छोड़ लिए, अब प्रिया तुम क्या छोड़ोगी, देख लो इसमें जो तुम्हारे मतलब का हो छोड़ो, ठीक है। लो प्रिया को मैं हैप्पी दिवाली, हाँ इनसे हाथ मिला, हैप्पी दिवाली, हाँ इनसे हाथ मिला लो। इसमें क्या है, इसको जलाओ ना फिर, तो उसने हवा तो भर लो बहन, हाँ अच्छा हवा भर के कैंडल लाइट, अच्छा कैंडल लाइट इसके अंदर वो करोगे, बच्ची खड़ी कर रखी है पूरी वो ऐसे कर, प्रिया तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा उसके पास में, नहीं आना, नहीं तो फ्रॉक वगैरह है ना। ये देखिए दोस्तों ये पटाखे, ये मना ना, ये हुआ हैप्पी दिवाली ये हुआ अब इनका कब जलेगा ये कैंडल लाइट, लग गया ये कितना प्यारा सा था, देखो इनका ये जल गया है, ये गुस्से में आके चक्कर में जल गया है, इसने सही आग नहीं लगाया, उड़ी नहीं रहा है, उड़ाने की कोशिश कर रहा है, देखो बहुत ज्यादा उड़ी नहीं रहा, देखो हाँ कोशिश कर रहा है। अच्छा पीछे वाली बिल्डिंग कितनी अच्छी सजी है ना, बहुत ही देखिए दोस्तों ये बैक साइड में जो है ना कितना प्यारा सजा हुआ है, हमारी भी बिल्डिंग सजी है, ये वाली नहीं सजी ना, वो वाली कह रही हूँ, वो वाली सजी ना। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा सजा हुआ है ये सब बिल्डिंग, कितना प्यारा लग रहा है ये सारा सजा, हम लोग ऊपर में एंजॉय कर रहे हैं, वो एक दीदी आई थी नीचे वाली दीदी, तो वो जो है एंजॉय कर रही थी हमारे साथ, और ये देखिए उनके पटाखों का एक पटाखे का सत्यानाश हो गया बस ऐसे ही। ये देखिए जलाओ ना उस पे, जला ले उस पे, देखो जल रहा है आराम से उस पे, जला प्रिया जा वहां, जब जला निधि जलाओ, ये देखिए प्रिया जला रही है, बचके बचके प्रिया सबको बोल दो हैप्पी दिवाली, हाँ अप्रिया देखिए मेरी कितनी अच्छी लग रही है, देखिए निधि ने पता नहीं क्यों कपड़े भी नहीं पहने, नहा लिए पर कपड़े नहीं पहने, बता तो क्यों नहीं पहने तूने कपड़े, बता रीजन बता, तबीयत ठीक है, तो दोस्तों इसकी तबीयत खराब है, इस वजह से इसने कपड़े वपड़े नहीं पहने, और थोड़ा सा इसका ना धुआं हुआ ज्यादा हो गया ना पॉल्यूशन, उसको थोड़ा सा सांस फूलने की परेशानी है, मेरे को भी सांस फूलने की परेशानी है, पर मैंने भी जो है दवा हुआ थोड़ी सी खाई, इसको भी दवा दी, पर ये जो है थोड़ा सा ठंड में जो है ना ये कपड़े वपड़े भी धो लिए ना ये ऊपर में,
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कपड़े सूख रहे हैं, तो ये इसने धो लिए थे शाम के टाइम, तो इसकी तबीयत जो है थोड़ा सा और ख़राब हो गई। मैं चली गई थी मार्केट, धुआं धक्कड़ पूजा पाठ का काम संभाल रही थी, फिर प्रिया को नहलाया, तैयार किया मैंने, फिर मैं तैयार हुई, फिर मार्केट से सामान वामान लेके जस्ट आके फिर पूजा पाठ किया सारा सब चीज। मुझे इससे बढ़िया तो कुछ लगता ही नहीं है। हाँ सब तू ही एंजॉय कर, बस ले ले तू ही कर ले, ले तू तो मेरा बच्चा है ना प्यारा सा। इधर 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 हाँ इधर एक्चुअली ये दोस्तों ये मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है, देख सकते हैं मैं इसको बच्चे की तरह प्यार करती हूँ, एकदम बच्चे है। इधर हम दोनों सगी सगी बहनी है, ये सबसे छोटी बहन है मेरी, प्यारी सी लाडली सी, इसको मुझे नहीं पाला है, बुझ गया है, घुमाती रहेगी अब फिर बुझ गया मम्मी के जाने के बाद इसको मैंने बहुत प्यार से पाला है, इसको यह सब कुछ पाला। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी हैप्पी दिवाली, हो गया हैप्पी दिवाली। सुंदर लग रही है ना मेरी प्रिया, देखिए सुंदर लग रही है, आज इसको मार्केट भी लेके सामान वामान भी, और हमने मिठाइयां पूजा पाठ करने, और थोड़ा काम में बिजी, हमारे यहाँ तो वैसे भी काम करने में लेट हो जाता है, ठीक है बस आए हैं छत से थोड़ा सा एंजॉय करने, हम लोग सबसे लास्ट में आए हैं, लास्ट में आए हैं, रात में, रात ही तो हो रहा है, लास्ट में आए हैं, नहीं क्यों दुनिया के लोग जला नहीं रहे पटाखे, हम क्यों लास्ट, हमारे बिल्डिंग के जला के चले भी गए, हाँ बिल्डिंग के लोग जो है मतलब जला के, तभी तो हम तीन ही बचे हैं बस, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम हो गया क्योंकि खाना पीना बनाना करना धरना और सारा काम निपटाना पड़ता है, उसके बाद सबसे अलग को औरतों को तो वैसे भी बहुत काम होता है, तो इसलिए, और कोई बात नहीं, हमारी फैमिली इतनी लंबी चौड़ी इतनी बड़ी है कि हम आपस में काफ़ी इंजॉय करते हैं, अभी आई थी एक दीदी आई थी, उन्होंने भी इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा उनके साथ, उनका बिहेव भी बहुत ही अच्छा लगता है, और उनका बिहेव शुरू से ही बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छी है, वो अभी आई थी तो हमें बहुत अच्छा लगा तो ये चीज है, ये देखो हम तो खड़े खड़े ना दोस्तों ये भी देख रहे हैं ऊपर में पटाखे पटाखे जल रहे हैं ना, वो भी देख, एक्चुअली क्या दोस्तों मैं पटाखे ना ज्यादा बम पटाखे ये लेके नहीं आई हूँ, बस छुरछुरी और यही सब छोटा मोटा जो बच्चे आसानी से जला सके बस वही लेके आई हूँ, एक तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है पहली बात तो, और दूसरी बात ना कि मुझे ना पटाखों से लगता है डर, तो मैं थोड़ा सा दूरी रहना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, बड़े पटाखों में डर भी होता है, जब बड़े बड़े जो बम होते हैं ना ऐसे धाए धाए लोग जलाते हैं, मुझे उससे बहुत डर लगता है, मेरा जी कांपने लगता है, तो मैं ना खरीदती हूँ ना मैं लाती हूँ, और जिसको अच्छा लगता है वो लोग खरीद के जलाते हैं, पर मुझे पसंद बहुत ही कम, ये छुरछुरी यार ये छुरछुरी आप मेरे को दे दो मैं घंटों जलाती खाऊंगी, और वो क्या बोलते हैं अनार बनाना है ना वो भी जला लेती हूँ, और ये जो फोड़ने वाला ये भी जला लेते हैं, इवन मुझे ना ये छोटे छोटे जो बम आते हैं ना मुर्गा छाप वो उससे भी डर लगता है, वो भी मैंने निधि से जलवाया, मैंने नहीं जलाया, मुझे नहीं है, मैंने नहीं जला, पता नहीं मुझे बहुत घबराहट होती है बचपन से ही, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जलाती। क्या आप कर रही है प्रिया, अभी पुटकाना बाकी है ना, अभी पुटकाना बाकी है प्रिया का बच्चों के लिए ना ऐसे छोटे छोटे बम खिलाने चाहिए जिससे बच्चे खुश रहे, ज्यादा बड़े बड़े बम ठीक नहीं होते, प्रिया तो इतने में ही खुश हो गई है प्रिया,
क्या बात है, प्रिया मेरी इतने में ही खुश हो गई ना। प्रिया इतना हंस क्यों रही, पहले बताओ तुम हंसी क्यों इतना है? कूड़ा, तो कूड़ा तो होगा ही। देखिए दोस्तों ये कितना सारा फुटका रखा है, कूड़ा हो रहा है ना, तो उसको कह रही है ये। तो बम फूटेगा तो कूड़ा तो होगा ही, नहीं होगा बताओ। लोग भी देखो अभी कितना फुटका रहे, कितना फोड़ रहे बम पटाखे सब लोग। चलो फिर हम भी चले अब नीचे, हमारा बम पटाखा खत्म हो गया है ना, तो चले अब नीचे। कभी और फोड़ना है, मन भर गया, चलते हैं फिर। बम पटाखे पटका लिए, एंजॉयमेंट हो गया है और बड़ा अच्छा दिवाली मना है, बहुत ही अच्छा लगा है। और बस अब खाना वाना खाएंगे और उसके बाद अब सो जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से दिवाली मनाइए और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से दिवाली मनाई होगी। और बहुत खुशी है कि आप लोगों ने जो है अच्छे से दिवाली मनाई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस बार की दिवाली भी देख के बहुत ही इंजॉयमेंट लग रहा है मुझे, और बहुत लोग इंजॉय कर रहे हैं, जो मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है इस बात की, और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। तो आशा करती हूँ सब लोग अपने अपने घर में खुश होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों क्या है कि दिवाली का त्यौहार है तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि लक्ष्मी जी का जो है इसमें पूजन किया जाता है। लक्ष्मी जी का त्यौहार है, हमारे घर में लक्ष्मी जी आती हैं इस दिन और पूजा की जाती है तो बहुत ही अच्छा त्यौहार और सबसे बढ़िया, मतलब मैं ये कहती हूँ कि खुशियों का त्यौहार है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबके बीच में खुशियों को साझा करें और बांटा करें सबके साथ, और सब लोग खुश रहा करें और सभी लोग को भगवान जो है सुखी रखे, संपन्न रखे और खुश रखे, बस यही कामना करती हूँ। सभी लोग अच्छे से खुश रहिए, त्योहार अच्छे से मनाइए और बिल्कुल अच्छा दिन बीते आप लोगों का, आप लोग का घर जो है खुशियों से भर जाए, ठीक है। और आपके जितने भी बच्चे हैं, परिवार हैं, सब लोग हैं, मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली और हैप्पी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और बस यही चाहूंगी कि अगला साल भी जो आए वो भी बहुत ही अच्छा आए, और अगले साल की कामना करते हुए कि दिवाली जो है, मतलब अगले साल जो भी दिवाली का त्यौहार आए तो वो भी मस्त तरीके से बहुत अच्छे से सब लोग मनाएं और बहुत अच्छे से आए। इस बार की दिवाली तो बहुत ही अच्छी मनी है और अगले साल भी मैं यही दुआ करती हूँ भगवान से कि बस अच्छे से सब लोग दिवाली मनाएं और अच्छे से ये त्यौहार आए और हर साल आता रहे हमारे जीवन में, इसी तरह से जो है खुशियां ऐसे ही बनी रहे, भगवान ऐसे ही खुशियां बरसाता रहे, और क्या चाहिए लाइफ में, है ना। बाकी दुख सुख तो आते ही रहते हैं लाइफ में, और ये सारी चीजें जो है भगवान उसको जो है काट देता है और हटा देता है, तो इसकी परवाह न करते हुए बस सब लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और स्वास्थ्य को जो है अच्छे से रखिए, ठीक है। और ठीक है, अब मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से, कल मिलकर के वीडियो में किसी नई चीजों के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्ते, गुड नाइट, ओके बाय, थैंक यू, हैप्पी दिवाली, शुभ रात्रि।